अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर ख़ान, एयरिश न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। मल्लारदेवपल्ली पुलिस हदूद उमदा सागर तालाब में एक 30 साला खातून जिसका नाम सैयदा रेशमा बताया जा रहा है, जो आज सुबह कपड़े धोने की गर्ज़ से तालाब के पास गई थी, उसके कुछ देर बाद पानी में डूबने की वजह से इस खातून की जान चली गई। जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली, बरवक्त पुलिस का अमला पहुँच कर नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम उस्मानिया मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और आगे की तहकीकात शुरू कर दी। लोग आवे तो मैं 2-3 दिन से घर को नहीं आ रहा था, मजाक कर रहे होंगे, बल्कि मैं नहीं आता बोला। फिर मकानदार बोले सेम भी आवा रहे हो, बल्कि बच्ची से बात कराए मेरी अम्मी मर गए, आओ तुम बोल के हमारे साथ बच्ची कपड़े धोने आए थे, यहाँ यहाँ तालाब को आए थे कपड़े वपड़े धोने, दोनों गिर गए थे। फिर लोग निकल गए, मेरी जरूर चले गए। कितने बच्चे थे आप? 6 बच्चे हैं। कितने बजे हुआ है? नहीं मालूम टाइम मेरे को, फ़ोन में कौन 2-3 बजे कुछ करे होंगे, मैं काम पे था। सुबह 9 बजे कपड़े धोने के लिए हमेशा नहीं 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 जाते, कभी भी एक बार दो बार गए होंगे घर में। मैं बोला नहीं जाना, वहाँ तालाब पे बच्चे गिर जाते, घर में बोर वोर है, घर में धो लेना बोला था मैं, बस और कुछ भी नहीं है। था भाई जैसा कि पानी में गिर गए, बल्कि फ़ोन करे थे मेरे को, तो गाड़ी कब हुआ कि नहीं मालूम, मेरे को 2 बजे फ़ोन करे, मेरे को 2 बजे फ़ोन करे तो आ गया मैं। आई बात यहाँ पर आगे ठहरा हुआ था, कोई भी कुछ भी नहीं बोले, ना पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, रुक गया मैं। पूछे तो क्या हुआ, पानी में पैर फिसल के गिर गए, बल्कि बोले कपड़े धोते धोते कौन नहीं थे, कौन कौन भी यहाँ पर नहीं देखा हमें कौन कौन थे। तो आपके कौन होना? बहन है मेरी, बड़ी बहन, सगी बड़ी बहन है। हमेशा वही धोते कपड़े? नहीं, घर पे भी धोते। क्या हुआ कि यहाँ पर आगे पानी नहीं था, शायद बिल के आके धो गए होंगे।